हम इस फिजिक को इस लेवल तक लेके जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक दोस्तों। ये वीडियो स्पेशली हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में कैसे कैसे हम वर्कआउट रखने वाले हैं, क्या डाइट प्लान लेने वाले हैं उसके बारे में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान के बारे में बताऊंगा कि क्या वर्कआउट प्लान मैं रखूंगा इन 60 दिनों में अपनी बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए, मस्कुलर करने के लिए, रोड टू सिक्स पैक एब्स ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को पूरा करने के लिए। तो जो लोग अपनी फिजीक को फैट लॉस करके रिब्ड एस्थेटिक करना चाहते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एज इट इज़ इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक अच्छी बैलेंस्ड रिब्ड बॉडी बना सकते हैं। तो गाइस जल्दी से बात कर लेते हैं डाइट और वर्कआउट की टाइम वेस्ट किए बगैर। वेलकम बैक वंस अगेन, जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे गोल के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका गोल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या आपका गोल सिर्फ फैट को लॉस करना है या फिर सिर्फ वेट को कम करना है। 90% लोग यही चाहेंगे कि उनका वेट और फैट लॉस हो जाए, जबकि ये बिल्कुल भी सही वे नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी को एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है बॉडी रिकम्पोजिशन। अगर आपको बॉडी रिकम्पोजिशन का नहीं पता तो यहाँ कहीं पर मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन क्या होती है। तो मोटा मोटा बता दूं, बॉडी रिकम्पोजिशन में आप अपना मसल को भी ग्रो करते हैं और फैट को भी लॉस करते हैं। तो इसके लिए हमें स्मार्ट वे में स्मार्ट तरीके से हमारा डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है आपको समझाने के लिए एक मार्कर, एक वाइट बोर्ड जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा है, इस पे मैं आपको समझाऊंगा डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान के बारे में। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरी बॉडी का इस टाइम पे वेट है 76 kg। 76 kg के हिसाब से हम क्या फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कहना चाहता हूं कि हम मोटी मोटी बात करेंगे, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर चलेंगे जिसमें कार्ब, प्रोटीन और फैट के रेशियो को देखेंगे। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा किसी भी अच्छे कैलोरीज कैलकुलेटर का, जिसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे अच्छे से अपनी कैलोरीज जान सकते हैं, अपनी हाइट, एज और वेट को वहाँ पे मेंशन करते हुए। बट इससे भी अगर आप आसानी चाहते हैं, इतना होमवर्क भी नहीं करना चाहते, तो मैं बोर्ड पे आपको समझाने वाला हूँ सिंपल फार्मूला। आप तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस लेकर चलें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रोटीन का आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी वेट का पता होना ज़रूरी है। तो मेरा जो वेट निकल के आया था वो केजी में था 76 kg, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। प्रोटीन हमें कितना चाहिए अगर हम बॉडी रिकम्पोजिशन चाहते हैं, मसल ग्रोथ चाहते हैं और फैट लॉस चाहते हैं। हमें कार्ब्स कितने लेने हैं और तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें फैट की कितनी रिक्वायरमेंट है। एक अच्छी बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए ज़रूरी है कि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इस तरह से हों। प्रोटीन जितना आपको रिक्वायर्ड है, आपका अगर बॉडी वेट फॉर एग्जांपल जैसे मेरा 76 kg निकल गया, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 3 के साथ, तो 228 ग्राम हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए। इसी तरह से अगर कार्ब की बात करें तो 76 kg मेरा वेट है, इसको 2.5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 190 ग्राम ऑफ कार्ब्स की ज़रूरत रहेगी। तो ये कार्ब्स किसी भी सोर्स से ले सकते हैं। इसी तरह से फैट की अगर बात कर लें तो फैट में बहुत ज़्यादा डेंस कैलोरीज होती हैं, तो फैट को हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा वेट बॉडी का जो निकल के आया वो 76 kg है, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पे, तो 33 ग्राम ऑफ फैट चाहिए। अब ये तो होगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने ग्राम चाहिए, मैं आपको सिंपली बता दूँ कि कितना कितना एग, कितने चिकन, कितना आपके कार्बोहाइड्रेट दलिया या राइस या रोटी, कितने ग्राम कार्ब के इक्वल होते हैं, और कितना आप ऑलिव ऑयल, एलमंड्स और पीनट बटर यूज़ करेंगे तो आपका 33 ग्राम्स ऑफ फैट पूरा होगा। अगर आप एग वाइट्स यूज़ करते हैं 16 तो आपको प्रोटीन 56 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 150 के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, लीन प्रोटीन। ये आपका प्रोटीन हो गया 206 ग्राम, हमें रिक्वायर्ड है 228 ग्राम। तो जो प्रोटीन हमें कार्ब फूड से मिलने वाला है, जैसे एलमंड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, पीनट बटर का यूज़ कर रहे हैं, रोटी और चावल का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रोटीन मिलेगा, तो हमारी प्रोटीन की इंटेक पूरी हो जाएगी 228 से 230 ग्राम के आसपास। इस तरह से कार्ब्स की बात कर ले तो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से हमें बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए 190 ग्राम ऑफ कार्ब चाहिए, तो हमें ज़रूरी है कि हम 200 ग्राम कुकड राइस यूज़ करें जिसमें आपको कार्ब मिल जाएंगे 60 के आसपास। एक रोटी का अगर आप यूज़ करें तो 20 ग्राम कार्ब मिल जाएंगे। एक एप्पल और बनाना यूज़ करें तो 30 ग्राम के आसपास आपको कार्ब मिल जाएंगे। और आपको सैलड भी यूज़ करना है, जाहिर बात है डाइजेशन के लिए, तो उसके लिए आपको 250 ग्राम ऑफ सैलड में करीब करीब
35 से 40 के आसपास कार्ब मिल जाएंगे। इसी तरह से 50 ग्राम हम ओट्स का भी यूज करेंगे इस बॉडी रिकम्पोजिशन में, तो वहां से हमें कच्चे जो ओट्स होते हैं अनकुक्ड उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो फूलने के बाद डबल ट्रिपल हो जाते हैं, तो उससे हमें 40 ग्राम के आसपास कार्ब मिल जाएंगे। देखें गाइस, मैं ये आपको बिल्कुल एज इट इज एक कैलकुलेशन निकाल के नहीं दे रहा हूँ, एक अंदाजा दे रहा हूँ। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मैक्रोज हो सकती हैं, तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं किस चीज़ में कितना कार्ब्स है, कितने प्रोटीन है। तो ये हमारे 190 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पूरे हो गए। अब बात कर लेते हैं फैट की। 76 के जी हमारा बॉडी वेट है, तो उसको हमने 2 पे डिवाइड किया, 33 ग्राम्स ऑफ हमें फैट चाहिए। एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में 9 ग्राम फैट मिल जाएगा, वो हम यूज़ करेंगे सुबह के ब्रेकफास्ट में एग को बनाने के लिए। एक टेबल स्पून पीनट बटर तकरीबन जो होता है 28 ग्राम के आसपास होता है भरा हुआ, उसमें हमें 14 ग्राम के आसपास फैट मिल जाएगा। इसके साथ 10 एलमंड्स यूज़ करें तो हमें 10 ग्राम के आसपास फैट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मोटी सी कैलकुलेशन है, अगर आप इतना भी होमवर्क नहीं कर सकते तो मैंने इजी करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होगी डाइट की बात। अब बात कर लेते हैं हम हमारे वर्कआउट रूटीन क्या रहने वाली है पहले 3 वीक्स। ये पहले 3 हफ्तों के लिए डाइट प्लान है, तो इसी तरह से 3 हफ्तों के लिए वर्कआउट प्लान कैसे कैसे हम डिजाइन करेंगे, उसमें क्या क्या ट्रेन करेंगे, क्या प्रोटोकॉल रखेंगे, जरा ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से लिख के। दोस्तों वर्कआउट प्लान भी मैंने लिख लिया, रेडी कर लिया। शुरू में एक दो बातें करना चाहता हूँ। हम बॉडी रिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए ज़रूरी है कि हम हमारी बॉडी को कोई नया एक्सपीरियंस दें, नई चीज़ दें, जिसकी वजह से वो ग्रो करे, मसल भी ग्रो करे और फैट भी लॉस हो। तो हम जो फर्स्ट 3 वीक में प्रोटोकॉल रखने वाले हैं वो ओल्ड स्कूल प्रोटोकॉल होगा, जिसमें हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, मतलब हम अपने वर्कआउट वॉल्यूम को भी बढ़ाएंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करेंगे, वेट को इंक्रीज भी करेंगे हर बार आने वाली एक्सरसाइज में, और इसके साथ साथ थोड़ा सा हैवी वेट लिफ्ट करते हुए जो हमारा पैटर्न रहेगा वर्कआउट को थोड़ा सा ओल्ड स्कूल होगा। हम सिंगल मसल पार्ट को पर डे ट्रेन करेंगे। रीज़न देखें गाइस, पुश पुल लेग बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल एक्सरसाइज का। आप सिंगल मसल पार्ट को अगर हम वर्कआउट वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, आपको कम से कम 24 सेट करने हैं अगर आप वर्कआउट वॉल्यूम को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहते हैं, मसल में ग्रोथ देखना चाहते हैं विद फैट लॉस, तो आपको 24 सेट लगाने होंगे ईच एक्सरसाइज के। तो उसका प्रोटोकॉल मैंने इस तरह से बनाया है, और गाइस ये प्रोफेशनल वे में लोग इसी तरह से ट्रेन करते हैं। मैंने सारा लिख दिया, मैं आपको समझा देता हूँ। बॉडी रिकम्पोजिशन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना जरूरी है। ओल्ड स्कूल मेथड मीन हम फर्स्ट डे बैक ट्रेन कर रहे हैं, सेकंड डे हम बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं। इसकी रीज़न देखें गाइस, जब आप बैक को ट्रेन करेंगे आपका वीक में फर्स्ट डे होगा, इसी दिन आपका थोड़ा बहुत बाइसेप भी ट्रेन होगा। तो हम बैक की 8 एक्सरसाइजेज लेके चलेंगे, 3 सेट्स करेंगे, 8 to 12 रेपिटेशन रखेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे हर एक्सरसाइज में, आने वाला नेक्स्ट सेट जो है उसमें हम वेट को इंक्रीज करेंगे। अगले दिन हम बाइसेप क्यों लगा रहे हैं फौरन, उसकी रीज़न ये है कि पिछले दिन का भी हमारा बाइसेप का मसल सोर है, इसके बाद हमने ट्रेन करना है जाके 1 वीक के बाद। आपका बाइसेप जितना भी सोर होगा वो रिकवर हो जाएगा, इतने घंटे काफ़ी होते हैं, 6 से 7 दिन काफ़ी होते हैं आपको किसी भी मसल को रिकवर होने के लिए। और वर्कआउट वॉल्यूम भी हमारा ज़्यादा है, वर्कआउट सेशन लंबा होने वाला है, तो इसी तरह से हम चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस 7 करेंगे, 3 सेट्स करेंगे, 8 to 12 रैप करेंगे। इसके अगले दिन हम करेंगे ट्राइसेप, इसकी भी अगेन वही रीज़न है, जब आप चेस्ट ट्रेन करते हैं उसके साथ आपका ट्राइसेप ट्रेन होता है, दोनों मसल कन्फ्लिक्ट हैं, थोड़ा बहुत शोल्डर भी होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्राइसेप मारेंगे, पहले चेस्ट के साथ एक्सरसाइज करेंगे, 3 सेट्स करेंगे, 8 to 12 रेपिटेशन करेंगे, और अगले दिन आप करेंगे ट्राइसेप्स। 6 आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, 3 सेट्स होंगे, इट मीन्स कि आपके 24 सेट बन जाएंगे, 24 वर्किंग सेट वार्म अप के बाद। 5वें दिन आप शोल्डर ट्रेन करेंगे, इसमें आप 3 सेट्स करेंगे हर एक्सरसाइज के, 8 एक्सरसाइजेज करेंगे, 8 to 12 रेपिटेशन होंगे। 6वें दिन हम करेंगे लेग्स को ट्रेन, इसमें हमारी 6 एक्सरसाइजेज होंगी, जिसमें हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप मसल, आपके काफ मसल, सारे मसल्स को ट्रेन करेंगे। 3 आपके सेट्स होंगे ईच एक्सरसाइज के, और 8 to 12 रेपिटेशन होंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसमें भी करना है, इसमें भी वर्क को आपने वेट को अपने को बढ़ाते जाना है। अगर हम एब्स ट्रेनिंग की बात कर लें तो हम फर्स्ट डे करेंगे अपर एब्स, सेकंड डे करेंगे हम लोअर एब्स, क्रंचेस करेंगे पहले दिन, दूसरे दिन लेग राइजिंग की वैरायटी करेंगे, और 3रे दिन हम करेंगे साइड्स और ओब्लिक्स को ट्रेन, देन हम करेंगे रिपीट। क्योंकि 3 दिन के बाद आपका पेट का हर मसल रिकवर हो चुका होगा, तो हर आने वाले 3 दिन के बाद आपके एक मसल की बारी आएगी। तो गाइस ये प्रोटोकॉल रहेगा, बहुत से लोगों को इस प्रोटोकॉल पे काफ़ी ज़्यादा शिकायतें होंगी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो आप करवा रहे हैं बट पुश पुल लेग करना चाहिए, ये तो बेकार है। देखें गाइस, ओल्ड स्कूल जो भी ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेज थी, ओल्ड स्कूल वर्कआउट के प्रोटोकॉल थे, उन बॉडी बिल्डर को आज के बॉडी बिल्डर से कंपेरिजन करके देख लें तो आज भी ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। आपसे कुछ भी कह दें सोशल मीडिया पे आके, यूट्यूब पे कुछ भी बता दें, देखिए गाइस बताना, मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूंगा जो प्रोफेशनल वे में होती है।
हमारे कोच, मेरे कोच 17 टाइम नेशनल चैंपियन हैं, आपने मेरे साथ दानिश को देखा होगा, जूनियर पाकिस्तान हो गया है, मुझे भी एक दो कंपटीशन में कम्पीट करते हुए देखा होगा, तो मैं रियलिटी आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये हमारा वर्कआउट प्रोटोकॉल रहने वाला है, डाइट प्लान मैंने आपको बता दिया है, इसको मजीद आपको मैं एक फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो बना के दूंगा और इसके साथ साथ आपको 6 डे का पूरा वर्कआउट प्लान आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज लगानी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी मेहनत, ये मेरा आप लोगों के लिए जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको पसंद आई होगी, आप इसे अप्रिशिएट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करेंगे मुझे, वीडियो को लाइक करेंगे। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है Qureshi_fitness, जाइए जाकर फॉलोअर्स को बढ़ाइए। और इसके साथ साथ आपका भाई व्लॉगिंग करता है, Qureshi व्लॉग के नाम का व्लॉगिंग चैनल है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बाइक के ऊपर आप कैसे कैसे वहाँ पर जा सकते हैं सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फुल डे एडिटिंग के साथ और उसके अगले आने वाली वीडियोस वर्कआउट की होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।